वेलकम बैक टू द गुजराती टेस्ट जोन दोस्तों, थिंक लाइक ए मशीन के जो चैप्टर है उसमें आप सभी का स्वागत है। तो थिंक लाइक ए मशीन, मैंने इससे पहले ही वाला वीडियो में आपको एक गेम बताई थी, आज मैं आपको दो गेम पे डिस्कस करना चाहूँगा। दोनों गेम में जो गेम हो गई थी रिजल्ट हुआ था ड्रॉ, लेकिन मशीन क्या कहता है कि इंजन ऐसा कहता है कि ये गेम ड्रॉ नहीं हो सकती, इसमें व्हाइट जीत सकता है या ब्लैक जीत सकता है। अब ये जो पोजीशन है वो है अनीश गिरी और पेंटाला हरिकिशन की है, 2017 की लेटेस्ट गेम है और अनीश गिरी यहाँ पे मिस्टेक कर गए और गेम हो गई ड्रॉ, और ड्रॉ बाय एग्रीड भी हुए थे, लेकिन मशीन कहता है कि यहाँ भी व्हाइट की फेवर में गेम है और क्या खेलना चाहिए था उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और क्या खेला गया है ये मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। अब चलिए शुरू करते हैं। ब्लैक प्लेड रुक टेक्स E1, यहाँ पे रुक टेक्स E1 इज ओके। व्हाइट प्लेड रुक टेक्स E1, ब्लैक अगेन रुक टेक्स E1 और व्हाइट जो अनीश गिरी थे नाइट टेक्स E1 यहां पे खेले थे, नाइट टेक्स E1 और ब्लैक प्लेड हियर क्वीन टेक्स A2, नाइट F3। नॉर्मल मूव है, कोई शॉकिंग मूव नहीं है। कोई भी प्लेयर अब किंग D7, व्हाइट प्लेड क्वीन H2, ब्लैक प्लेड क्वीन E2, नाइट F6 चेक, किंग C7, नाइट D5 चेक और यहां पे ड्रॉ बाय एग्री हो गए थे दोनों प्लेयर। लेकिन कुछ अलग पोजीशन, कुछ अलग मूव्स मशीन के हम ऐड करके देखते हैं। अब ये पोजीशन में रूक टेक्स E1, रूक टेक्स E1, रूक टेक्स E1 और नाइट टेक्स E1 यहां पे एरर आ रही है। इंजन कहता है कि नाइट टेक्स E1 से बेटर मूव थी आपके पास क्वीन D6। अब देखो क्वीन D6 से पूरी गेम चेंज हो जाएगी, जो ड्रॉ हो रही थी उसके बजाय व्हाइट कैसे विन हो रहा है। आफ्टर क्वीन D6 यहां पे चेकमेट की थ्रेट है, ब्रिलियंट मूव है, नाइट F6 चेकमेट इन वन मूव की थ्रेट है। तो ब्लैक क्या रिप्लाई देता, ब्लैक रिप्लाई देता नाइट E7, नाइट E7 से। अच्छा रुक E7 तो रॉन्ग था, इसलिए इंजन सजेशन नहीं करता रुक E7 का, नाइट E7 वुड बी ग्रेट। यहां पे क्वीन B8 आप चेक दोगे, बिशप C8, पीस भी बचाना है, चेक भी बचाना है, बिशप C8 गुड मूव। नाइट क्रॉस E1 इसके बाद आपको रुक मारना है, नाइट क्रॉस E1 अब राइट टाइमिंग बता रहे हैं। यहां पे ब्लैक खेलेगा B3 क्वीन से नाइट को प्रोटेक्शन देने के लिए, नाइट F6 चेक, उसके बाद किंग F8 और उसके बाद A क्रॉस B3 और वाइट के पास मटेरियल भी एडवांटेज है और पॉन जो पासपोन क्रिएट करने वाला है। तो वाइट के पास मतलब दो नाइट और ब्लैक के पास बिशप नाइट और क्वीन एक्सचेंज दोनों के पास इक्वल है, पॉन प्लस है वाइट और उसका फायदा और अटैकिंग पीस भी है आपके पास, बहुत ही इनिशिएटिव है गेम जीतने के लिए, ऐसा एंजिन करते हैं। दूसरी एक गेम मैं आपको बताता हूं दोस्तों, दूसरी गेम है ये पोजीशन में, ये वाइट टू प्ले था और गेम आगे जो कंटिन्यूस चली इसमें गेम का एंड हुआ था जो ड्रॉ था, और रियल में इंजन ये बता रहा है इस पोजीशन में कि ब्लैक ये गेम जीत सकता था, ब्लैक कैन विन दिस गेम।
तो सबसे पहले मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो प्लेयर्स नए हैं, बिगिनर्स हैं, जिनको थोड़ा थोड़ा खेलना आता है, मेरे पुराने वीडियो देखें और अपनी गेम स्ट्रॉन्ग करें, उसके बाद ही ये मशीन ट्विस्ट वाले वीडियोस देखें। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। वाइट प्लेड हियर नाइट टेक्स f6। वाइट का जो नाइट है वो कौन से अटैक में था? वाइट ने काउंटर अटैक किया, नाइट टेक्स f6 चेक, और बाद में पॉन टेक्स नाइट के भी थ्रेट है। अब ब्लैक प्लेड रुक टेक्स f6, आफ्टर रुक टेक्स f6 क्वीन टेक्स f6 देन जी टेक्स f4। ये गेम आगे चली थी ऐसे, और यहाँ पे जी टेक्स f4, ब्लैक प्लेड जी टेक्स f4, और उसके बाद क्वीन e2 ओपन फाइल क्वीन क्रॉस h4 क्वीन e6 चेक किंग g7 क्वीन d7 चेक किंग g6 एंड ड्रॉ बाय रिपीटेशन ये गेम में हुआ था। तो गेम का एंड ड्रॉ हुआ था, लेकिन ब्लैक कैसे जीत सकता ये हम अब देख रहे हैं। कहां पे ब्लैक ने मूव मिस किया है? मशीन का ट्विस्ट कहां से शुरू होता है? यहां पे व्हाइट नाइट क्रॉस f6 जब किया तो ये ब्रिलियंट मूव है, ये बैड मूव नहीं है, क्योंकि आर क्रॉस f6 तो फोर्स है, रुक क्रॉस f6 ये भी सही मूव है, पर ब्लैक को क्वीन क्रॉस f6 नहीं करना है, ये बता रहे हैं। यहां पे ब्रिलियंट मूव मशीन का ट्विस्ट क्वीन b1 चेक। अब ऐसा रिस्क कौन ले सकता है? एंजिन ही ले सकता है, ह्यूमन तो नहीं ले सकता, क्योंकि कोई भी प्लेयर नहीं चाहेगा कि मैं रुक डाउन होके खेलूं। लेकिन अगर आप थोड़ा ज्यादा सोचोगे तो कुछ ना कुछ जबरदस्त आइडिया आपको मिलेगा। एंजिन की तरह, सॉफ्टवेयर की तरह आप कुछ डीप में अलग से सोचोगे कि ये सेक्रीफाइस कर दूं, ये पीस जाने दूं, मैं नहीं रिगेन करता, और मुझे क्वीन एंटर होने के बाद क्वीन और नाइट से मैं क्या कर सकता हूँ, ये सारे मूव्स आपके दिमाग में आने चाहिए, तभी आप एंजिन की तरह सोच सकते हो। ये है इंटरमीडिएट मूव। मेरे मिडल गेम के जो चैप्टर्स है उसमें मैं आपको बताऊंगा इंटरमीडिएट मूव क्या होता है। इंटरमीडिएट मूव मतलब सामने वाला जो एक्सपेक्ट करता है उससे बिल्कुल अलग मूव करना, उसे कहते हैं इंटरमीडिएट मूव। तो देखिए ये रिजल्ट क्या होगा। क्वीन b1 चेक से फोर्स मूव है, किंग के पास एक ही जगह है किंग h2। यहां पे एक जबरदस्त मूव बताई है एंजिन ने, नाइट h3। अब ये तो हम नहीं सोच सकते, मैं भी नहीं सोच सकता, ग्रैंड मास्टर के हो सकता है, कुछ कुछ ग्रैंड मास्टर के दिमाग में ऐसे मूव आते हैं, लेकिन बहुत ही रेयरली मूव मिल रहा है। नाइट h3 सेक्रीफाइस ऑफ नाइट सिंपल, अगर किंग टेक्स नाइट करता है तो क्वीन h1 एंजिन चेकमेट बता रहा है, तो किंग टेक्स नाइट पॉसिबल नहीं है। और दूसरी जो थ्रेट है क्वीन g1 चेक और क्वीन h1 चेकमेट की थ्रेट है। तो यहाँ पे अगर नाइट नहीं लेते हैं तो क्वीन चेक और क्वीन h1 चेकमेट की थ्रेट है, और वाइट यहाँ से चेक भी नहीं दे पा रहा है क्योंकि क्वीन टेक्स रुक सिंपल आपका पीस वापस मिल जाएगा। यहाँ पे एक f3 सजेशन करता है व्हाइट की ओर से, आफ्टर f3 और क्वीन चेक में क्वीन इंटरपोज हो सकती है। तो f3 के बाद क्या होगा, यहाँ भी ब्लैक विनिंग है, क्वीन g1 चेक आफ्टर किंग टेक्स h3 जो फोर्स मूव है, क्वीन h1 चेक, और यहाँ क्वीन h2 फोर्स्ड मूव है, और g4, और आपको व्हाइट की क्वीन सिंपल मिल रही है। आफ्टर एफ टेक्स g4 एच टेक्स g4 किंग टेक्स g4 और क्वीन h2 और विनिंग द क्वीन, और ब्लैक कैन विन दिस गेम इजीली आफ्टर विन द क्वीन। तो दोस्तों ये था मशीन का ट्विस्ट। ऐसे बहुत सारे गेम्स में आपको दिखाऊंगा, तो देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए, मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिलती रहेगी। जल्द ही मिलेंगे। जय हिंद, जय गुजरात।